ग्रैनी चैप्टर 3 का ब्रिज स्किप लाओ। प्लीज भैया ग्रैनी 3 इन एक्सट्रीम मोड। ग्रैनी 3 एक्सट्रीम मोड गेम प्ले। एक्सट्रीम मोड। ओ भाई साहब 88% लोगों को सिर्फ और सिर्फ ग्रैनी 3 की गेम प्ले चाहिए। तो अभी क्या गाइस? यार मेरी डीचन फैमिली मेरे से कुछ बोले और वो मैं ना करूं ऐसा हो ही नहीं सकता। तो मैं अपने डीचन फैमिली के लिए आज ग्रैनी चैप्टर 3 खेलने वाला हूं, वो भी एक्सट्रीम मोड पे। तो सबसे पहले मैं इसको एक्सट्रीम मोड पे सेट करूंगा और सेलेंड्रिना को रिमूव करूंगा, बिकॉज सेलेंड्रिना एक्सट्रीम मोड पे इतना खतरनाक हो जाती है कि मुझे से नुबड़ों की बस की बात ही नहीं है गाइस। और ये लोग तो मेरे को टिप्स दे रहे हैं। मेरे ऐसा नुबड़ा लोग टिप्स नहीं पढ़ता रे बाबा, सीधा गेम चालू कर देता है रे। तो अभी गाइस मैं इस वाले वीडियो पे 50,000 का लाइक एम रखता हूं। आई होप कि मेरी डीएचएन फैमिली करवा देगी। करवा दोगे ना डीएचएन फैमिली? नहीं प्लीज गाइस करवा दो। नहीं मेरे को लगता आप लोग ऐसे नहीं मानोगे। अभी आप लोग को इमोशनल अत्याचार करना पड़ेगा। बेबी स्पाइडर म्यूजिक चेंज कर दे। ठीक है भाई साहब। गाइस मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास एक ही चड्डी है जो कि ग्रैंडपा कभी कभी चुरा लेते हैं। तो प्लीज गाइस इस वीडियो को लाइक कर दो ताकि मैं एक नया चड्डी खरीद सकूं। गाइस आई होप कि अभी तक तो मेरी डीचन फैमिली ने लाइक कर भी दिया होगा। और हाँ अगर जो लोग हमारे चैनल पे नए हो तो गाइस प्लीज सब्सक्राइब करो और हमारे डीएचएन फैमिली में शामिल हो जाओ गाइस। तो अभी गाइस मैं गेम प्ले की ओर बढ़ता हूँ और मेरे को तो लग रहा है नीचे में कोई है। हे भगवान काफी गर्मी लग रहा है, मैं तो चली बाहर में रहूंगी, थोड़ा हवा खा लूंगी। ये तो मेरे लिए काफी अच्छी बात है। तो गाइस ग्रैनी तो बाहर जा रही है, तो गाइस सबसे पहले मैं यहाँ पे चेक करूंगा और यहाँ पे हमें फ्यूज मिल गया और अभी इसको लेकर ऊपर चलेंगे। बस यार रास्ता में ग्रैंडपा ना मिल जाए। एक सेकंड, यहाँ पे भी कुछ ना कुछ जरूर होता है। और यहाँ पे तो हमें जनरेटर केबल भी मिल गया है जो कि मैं इसको ऊपर लगाने के बाद ही लूंगा। तो सबसे पहले मैं एक गेट को ओपन कर लेता हूँ। पर गाइस ये गेट ओपन होने में कितना टाइम लेता है गाइस। तो अभी गेट भी ओपन हो गया है तो जल्दी से मैं इसको यहाँ पे लगा लेता हूँ। और अभी क्या गाइस, अभी हम लोग जल्दी से जनरेटर केबल लेने चलेंगे इससे पहले कि वहाँ पे ग्रैनी ना आ जाए। ऐसे बिटवा के आसी की तासी, बहुत परेशान कर लिया मुझे। तब तक मैं देसी दारू पी के सो जाता हूँ। गाइस मेरे को नहीं लगता ग्रैंडपा का भी गुंडा बन पाएंगे। ऐसे कैसे गुंडा बनेगा रे बाबा। अभी मैं जल्दी से ये डोर को ओपन कर लेता हूँ। और बाप रे बाप, अभी काफी शोर हो गया गाइस। तो अभी मैं जल्दी से यहाँ से निकल लेता हूँ और मेरे को तो अभी गाइस नीचे भी जाना था। तो सबसे पहले मैं ग्रैनी को यहाँ पे शोर करके ऊपर बुलाऊंगा और यहाँ से निकल लूंगा। हमको सिखा रहा है? नहीं गाइस मैं आपको सिखा नहीं रहा हूँ, बस मैं आपको बता रहा हूँ। तो अभी इसको भी जल्दी से रिलोड कर लेता हूँ और अभी गाइस मेरे को नीचे जाना है। तो गाइस अभी ग्रैंडपा भी शोर है और ग्रैनी अभी ऊपर है। तो अभी गाइस हम लोग जादू से उस पार जाएंगे और बूम गाइस। तो अभी गाइस मेरे को आप लोग कमेंट करके बताओ कि ये वाला ट्रिक आप लोगों को कैसा लगा। और हाँ वो भी कमेंट करके बताओ जिनको ये वाला ट्रिक पहले से ही पता था। तो अभी ना गाइस मेरा हाथ काफी कांप रहा है गाइस और यार मेरे को बहुत डर लग रहा है। बस यार ग्रैनी ग्रैंडपा नीचे नहीं आ जाए गाइस। तो अभी ना गाइस मेरे को ये वाला कांच को तोड़ना है। आई नो कि गाइस इसको तोड़ने पे काफी शोर होगा और ग्रैनी अभी भागे भागे से आएगी। मेरे को तो ये डर के गाइस बस उनके पीछे पीछे ग्रैंडपा ना आ जाए। तो अभी गाइस काफी शोर हो गया है और ग्रैनी तो अभी आती ही होगी। तो अभी मैं जल्दी से गन लेके रेडी हो जाता हूँ। देसी बिटवा, ओ देसी बिटवा, मार डालो रे। तो अभी गाइस जल्दी से हम लोग ये क्रोबर को लेकर ऊपर चलते हैं और अभी मैं इस वाले बॉक्स का अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ। और ये लो इसमें तो सीड की मिल गया गाइस। तो अभी इसको लेकर मैं यहाँ पे ड्रॉप कर देता हूँ क्योंकि ये मेरे को अभी आगे भी काम आने वाली है। और ये रहा गाइस हमारा सेड की। तो अभी मैं इसको लेकर ऊपर चलूंगा। अभी गाइस मेरे को जनरेटर ऑन करने के लिए जनरेटर केबल और सेड की भी मिल चुकी है। तो अभी मैं सोच रहा हूँ सबसे पहले सेड को ओपन कर लूँ। मेरे को अभी लगता है गाइस यहाँ पे कोई भी नहीं है। यार यही सही वक्त है, निकल लो यार। तो अभी मैं जल्दी से ये गेट को लगा लेता हूँ क्योंकि मैं अभी बिल्कुल भी चांस नहीं लेना चाहता और मेरे को मरना नहीं रे बाबा। अरे बाप रे बाप गाइस, यहाँ का गेट तो ओपन है। तो अभी मैं गाइस यहाँ का गेट क्लोज कर देता हूँ। मुझे अभी भी याद है गाइस पिछले वाले मैच में ग्रैंडपा पीछे से मार दिए थे और अभी तो गाइस मैं बिल्कुल भी रिस्क नहीं लूंगा। तो अभी मेरे को जनरेटर ऑन करने के लिए जनरेटर केबल चाहिए होगी जो कि मैंने ऊपर में देखा था। और अभी मैं ग्रैनी को नीचे बुलाने वाला हूँ। और ये क्या मैंने सुर और भागो 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 भागो। तो अभी क्या गाइस, अभी ग्रैनी नीचे ही आती होगी। रुक जा देसी बेटा, तेरा अभी सर फोड़ती हूँ। यहाँ पे तो देसी बेटा है ही नहीं। तो अभी गाइस जल्दी से मैं यहाँ से निकल लेता हूँ, पता नहीं ग्रैनी कब आ जाए क्योंकि ग्रैनी का यार कोई भी ठिकाना नहीं है, वो पागल बुढ़िया कुछ भी कर सकती है। तो अभी मेरे को जनरेटर केबल भी मिल गया है और हाँ मैं डायरेक्ट नीचे जाने वाला नहीं हूँ क्योंकि मुझे पता है ग्रैनी ग्रैंडपा दोनों के दोनों नीचे ही होंगे। तो अभी थोड़ी सी सोर यहाँ पे करेंगे और अभी क्या रे बाबा, यहाँ पे रुकना थोड़ी ना रे बाबा। तो गाइस यहाँ पे भी सोर कर लेंगे ताकि ग्रैनी यहाँ पे आ जाए और गाइस ग्रैनी अभी आती ही होगी। तो गाइस इसको मैं एक बार और ड्रॉप करूंगा और यहाँ से निकल लूंगा। और अभी एक सेकंड गाइस, बस यार ग्रैंडपा ना मिल जाए। तो जब भी मैं ग्रैनी खेलता हूँ पूरा मैच में मेरे को ग्रैंडपा का ही डर होता है क्योंकि गाइस ग्रैंडपा का कोई भी ठिकाना नहीं, वो कहीं भी किसी वक्त कभी भी पहुंच सकते हैं। तो अभी मैं जल्दी से इसको यहाँ पे लगाया और ये हमारा जनरेटर स्टार्ट हो गया। तो अभी गाइस मेरे को काफी डर लग रहा है क्योंकि ऑलमोस्ट हम लोगों ने आधा स्किप कर चुके हैं और गाइस कुछ ही स्टेप में हमारा पूरा स्किप भी पूरा होने वाला है।
तो अभी मैं यहाँ पे वापिस से स्वर्ग के ग्रैनी को बुलाने वाला हूँ और बस गए तभी ग्रैनी आती ही होगी। यार अभी इस डोर को भी ओपन कर देते हैं ताकि मेरी प्यारी सी ग्रैनी को कोई भी दिक्कत ना हो। हे भगवान, शोर कर करके परेशान कर दिया है। ये देसी बेटा कभी इधर भगाता है कभी उधर भगाता है। तो अभी गाइस ग्रैनी मेरे से काफी परेशान हो चुकी है, तो भाई सब ग्रैनी से तो बच के ही रहना पड़ेगा। गाइस ग्रैंडपा क्या है, ग्रैंडपा चड्डी चोर है। भैंस की पूछ, मेरे को चड्डी चोर कह रहा था। अरे सॉरी ग्रैंडपा, सॉरी। सॉरी क्या, तेल लेने ये ले 2.5 किलो का मुक्का। म्यूजिक। अरे यार ग्रैंडपा ने मेरा एक डी वेस्ट कर दिया। खैर कोई भी बात नहीं गाइस, हमारे पास अभी 4 दिन और बचा हुआ है और 4 दिन एस्केप के लिए काफी है गाइस। तो अभी मैं इसको वापस से अनलॉक कर लेता हूँ गाइस। और हाँ, अभी मेरे को ग्रैंडपा पे काफी गुस्सा आ रहा है। बस ग्रैंडपा एक बार हाथ में आ जाए बॉम्ब से उड़ा दूंगा। एक सेकंड गाइस, इसमें तो बॉम्ब है ही नहीं। कोई बात नहीं गाइस, अभी हम लोग ग्रैंडपा क्रोबर पे की मारेंगे। लेकिन हम लोगों को तो पता ही नहीं ग्रैनी ग्रैंडपा किधर होंगे। तो अभी मैं गाइस नीचे में ही कैंपिंग करूंगा। अभी ना गाइस मेरे को उनका पैर का आवाज सुनाई दे रहा है, जैसे कि लग रहा है वो लोग नीचे ही आ रहे हैं। और बाप रे बाप, ये लोग तो सच में नीचे आ रहे हैं। ग्रैंडपा आज हम लोग देसी बेटों को बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। मैं भी नहीं छोड़ूंगा गाइस, ये लोग तो मेरे बारे में ही बात कर रहे हैं। ग्रैंडपा शायद वो उधर होगा, जल्दी चलो ग्रैंडपा। पर ये ग्रैनी किसको देख ली, पता नहीं मेरे को क्यों लग रहा ग्रैनी ग्रैंडपा भी यहीं कहीं होंगे। और ये देख लो गाइस, ग्रैनी ग्रैंडपा दोनों के दोनों यहीं पर है। तो अभी गाइस जल्दी से हम लोग ऊपर चलते हैं। और गाइस अभी मेरे को एस्केप के लिए सारा आइटम मिल चुका है। और अभी क्या गाइस, अभी मेरे को सिर्फ गेट ओपन करना है। और एक सेकंड, अभी तक तो मेरे को ब्रिज क्रैंक मिला ही नहीं। तो गाइस अभी मेरे को सिर्फ और सिर्फ एक ब्रिज क्रैंक चाहिए होगा। तो अभी गाइस जल्दी से हम लोग इस वाले रूम पे चलेंगे। लेकिन इस वाले रूम पे जाने से पहले गाइस थोड़ा सा ध्यान से, बिल्कुल आराम से गाइस प्लीज यार, ब्रिज क्रैंक, ब्रिज क्रैंक। ओ माय गॉड गाइस, तो अभी गाइस मुझे ब्रिज क्रैंक भी मिल गया है। नीचे जाने से पहले मैं यहाँ पे शोर कर लेता हूँ ताकि ग्रैनी ऊपर आ जाए। अभी ना गाइस मैं थोड़ी देर यहीं पे रुकूंगा, मुझे लगता है ग्रैंडपा यहीं कहीं होंगे। अभी गाइस ग्रैंडपा मुझे दिख तो नहीं रहे हैं, पर गाइस मुझे अभी ग्रैंडपा की फुट स्टेप भी नहीं आ रही है। इसका मतलब कि गाइस ग्रैंडपा यहाँ पे है ही नहीं। अभी हो सकता है गाइस ग्रैंडपा बाहर में ही होंगे। और ये लो गाइस, वो रहे हमारे ग्रैंडपा। तो अभी गाइस मैं ग्रैंडपा से बिल्कुल भी पंगा नहीं लेना चाहता क्योंकि मुझे ग्रैंडपा से डर लगता है रे बाबा। तो अभी ना गाइस जो लोग ग्रैंडपा से नहीं ना डरते हैं वो लोग कमेंट में टकला ग्रैंडपा लिख दो ताकि उनको पता चल जाए कि हमारी डीएचएन फैमिली उनसे डरती नहीं है। तो गाइस जल्दी से कमेंट करो गाइस टकला ग्रैंडपा। तो फाइनली गाइस हमारा स्केप पूरा होने वाला है। और अभी मेरे को ब्रिज स्केप करने के लिए ज्यादा कुछ भी नहीं करना है। ये मैंने ब्रिज क्रैंक लगा दी गाइस, बस मुझे अभी थोड़ा सा और अभी वेट करना होगा। और फाइनली गाइस अभी हम लोग आराम से एस्केप कर सकते हैं। ये मैंने गेट को किया ओपन और बाय बाय ग्रैनी, बाय बाय ग्रैंडपा। करवा देना बेइज्जती ग्रैंडपा अपने एक्सट्रीम मोड पे। भैंस की पुत, देसी बिटो के साथ पूरा इसका डीएचएन फैमिली है, हम लोग उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। अरे बुड्ढा बुढ़िया छोड़, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो। टाटा बाय, सी यू, सायोनारा। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया ना, 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 खत्म, बाय बाय।